साई किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट लॉलीपॉप। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। दिखने में ये जितना आकर्षक है, बनाने में उतना ही आसान है। आप अपने बच्चों के बर्थडे पार्टी में चॉकलेट लॉलीपॉप बनाकर उन्हें सरप्राइज भी कर सकते हैं, या फिर केक डेकोरेशन के लिए इसे यूज भी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसकी आसान सी रेसिपी बताती हूँ। इसे बनाने के लिए 7 से 8 ब्राउन ब्रेड के पीसेस को मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी इसे ग्राइंड करके रखा है। इसे ब्रेड क्रम भी कहा जाता है। इसके बाद हम इस ब्रेड क्रम को एक बड़े पॉट में ट्रांसफर करेंगे और उसमें 2 चम्मच पीसी हुई शक्कर आपको डालना है। अब 1 चम्मच मेल्टेड बटर डालेंगे इसमें। आप बटर की जगह इसमें 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 3 से 4 चम्मच चॉकलेट सिरप डालेंगे। मैंने हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप यूज़ किया है। आपके पास जो भी सिरप है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें इसका एक डो रेडी कर लेना है। ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें एक्स्ट्रा चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। इस तरह से हमें इसका एक हार्ड डो रेडी कर लेना है। तो हमारा डो हो गया है रेडी। अब आप अपने हाथ में थोड़ा सा बटर लगा लीजिए ताकि डो आपके हाथ में चिपके नहीं। इसके बाद इसके छोटे छोटे गोले बना लीजिए। जैसे लॉलीपॉप होता है छोटा छोटा, उसी तरह से आप इसके बिल्कुल छोटे छोटे कंचे के साइज़ के आप इसके गोले बनाकर रख लीजिए। तो बॉल्स हो गए हैं रेडी। अब हम इन्हें चॉकलेट में डिप करने के लिए चॉकलेट को पहले मेल्ट कर लेंगे। इसके लिए आपको एक पतीले में गर्म पानी लेना है और उसके ऊपर जो बर्तन फिट हो जाए वो पॉट हमें रखना है और 100 ग्राम चॉकलेट डालकर उसे मेल्ट करना है। ये देखिए, हमारा चॉकलेट मेल्ट हो चुका है। ये देखिए, ये हमारा मेल्टेड चॉकलेट है। अब हम एक स्टिक लेंगे। आप अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप टूथपिक भी ले सकते हो। उसे चॉकलेट में डिप कीजिए और फिर जो बॉल्स हमने बनाए हैं उसमें घुसा दीजिए। इस तरह से आपको सारे बॉल में स्टिक्स डालकर रेडी करके रख लेना है। स्टिक्स डालते समय आपको बिल्कुल धीरे से डालना है। ध्यान रखना है कि बॉल्स टूट ना जाए। ये देखिए, हमारे सारे बॉल्स स्टिक लगकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे सेट होने के लिए फ्रीजर में 1 घंटे के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, ये केक स्प्रिंकल है। इसे हम चॉकलेट लॉलीपॉप को डेकोरेट करने के लिए यूज करेंगे। 1 घंटे के बाद हम चॉकलेट लॉलीपॉप को फ्रीजर से बाहर निकालेंगे। देखिए, ये पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसे चॉकलेट में डिप करेंगे और केक स्प्रिंकल से डेकोरेट कर लेंगे। ये बहुत ही सुंदर दिखता है। आप अलग अलग टाइप के केक स्प्रिंकल से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा चॉकलेट लॉलीपॉप। तो ये हो गया है रेडी। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। आपके बच्चों को ये ज़रूर पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये चॉकलेट लॉलीपॉप की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।